आपने भूतिया बंगलों, भूतिया गुड़ियाओं के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने भूतिया फोन नंबर्स के बारे में सुना है? पांच ऐसे नंबर्स जो मौत को दावा देते हैं। जापानी लोगों के मुताबिक ये अब तक का सबसे डरावना नंबर। कहते हैं कि इस नंबर से ही शैतानी शक्तियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि अगर इस नंबर को डायल किया जाए तो आपको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देंगी, जैसे बू हू या फिर किसी के चिल्लाने की। इसके बाद अगले एक हफ्ते के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। जापान में नंबर 4 को योन और शी दोनों से उच्चारित किया जाता है, लेकिन शब्द शी का एक और मतलब है और वो है मौत। इस वजह से जापान में नंबर 4 को अशुभ माना जाता है। एक नंबर जो केवल 4 से बना हो वो अशुभ है और मौत को दावत देता है। हालांकि इन दावों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कई लोग इसे सच मानते हैं और इस नंबर पर कॉल नहीं करते हैं। ४ मूल नाइजीरिया में रेड नंबर्स का आतंक देखने को मिला। वह वार्निंग जारी कर दी गई कि किसी भी इन नंबर से कॉल रिसीव नहीं करेगा। इस नंबर से कॉल आने पर आपको बेहद तेज आवाज सुनाई देती थी। इसकी वजह से या तो मोबाइल फट जाता था या फिर कानों से खून आने लगता था। 2007 में पाकिस्तान में एक विशेष चेतावनी दी गई, जिसमें विशेष रूप से लाल नंबरों से आने वाले फोन कॉल्स को उठाना खतरनाक माना गया। इसके बाद यह चेतावनी मध्य पूर्व में फैल गई, 2008 में मलेशिया में और फिर पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में। लेकिन साइंटिफिकली ये सच नहीं है। हालांकि ऐसी हाई फ्रिक्वेंसी कॉल्स VOIP फोन से ही की जा सकती हैं, जिन्हें ट्रेस किया जाना नामुमकिन है, और इनसे आने वाली फ्रिक्वेंसी इतनी तेज होती है कि कानों से खून आ सकता है और दिक्कतें हो सकती हैं। ये रेड नंबर कॉल्स फोन पर कॉल आते ही स्क्रीन पर हर एक नंबर लाल इंक से दिखाई देता था। एक ऐसा नंबर जो एशिया में श्रापित नंबरों में से एक माना जाता है, जहां कॉलर्स ने सुना है कि एक पुरुष अपनी आवाज में उन्हें 15 और लोगों को इस नंबर पर कॉल करने की धमकी देता है। माना जाता है कि यह नंबर मरे हुए लोगों का है, यानी दूसरी दुनिया का है, और अगर आपको इस नंबर से कॉल रिसीव होता है, इसका मतलब है कि आपको आपकी फैमिली से कोई मरा हुआ मेंबर कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है। वो आपसे मदद मांग रहा है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ बुरी चीज़ें होने लग जाएंगी। एशिया में इन नंबर्स ने लोगों को काफ़ी परेशान किया। हालांकि अब इस नंबर से कोई भी कॉल रिसीव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस नंबर से काफ़ी डरे हुए हैं। जीरो 888888 एक बुल्गेरियन नंबर है, जिसका इस्तेमाल करने वाले सभी ओनर्स की मौत हो गई। इस नंबर के पहले मालिक का नाम था व्लादिमीर ग्रांचो, जो खुद मोबिटेल नाम की कंपनी के CEO थे। उनकी 2001 में कैंसर से मौत हो गई। इस नंबर के दूसरे मालिक का नाम है कॉन्स्टांटिन डिमित्रोव, जो 2003 में नेदरलैंड्स में एक आतंकवादी के गोली मारने से मर गए। इससे पहले वो अपने $500 मिलियन की ड्रग बेच रहे थे, और जब उनकी मौत हुई उनके साथ में ये नंबर वाला फ़ोन मौजूद था। और तीसरे व्यक्ति का नाम है कॉन्स्टांटिन दिशिलेव, जो 2005 में बुल्गारिया के कैपिटल सोफिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट के सामने मारे गए। इसका व्यापार कोकीन स्मगलिंग के साथ जोड़ा गया था। जब मोबाइल कंपनी ने ये पैटर्न नोटिस किया तो 2005 में इस नंबर को सस्पेंड कर दिया गया, और डायल किए जाने पर आउटसाइड नेटवर्क कवरेज सुनाई देता है। आपको क्या लगता है कि ये एक कोइंसिडेंस था या फिर सच्चाई? कमेंट्स में बताइए। यूके में 70s के दशक में फोन बूथ चलते थे। लोगों को कोई भी कॉल करने के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन ये एक ऐसा नंबर था जो कि फ्री में लग जाता था। 2020 2020 2020, जब लोग इस पर कॉल करते थे तो दूसरी तरफ से एक औरत के चीखने की आवाज़ आती थी, जो अपने लिए मदद मांगती थी। हेल्प मी सूजी इज डाइंग।
और हेल्प मी सूजी इज ड्राउनिंग, जिसका मतलब है मेरी मदद करो सूजी मर रही है, मेरी मदद करो सूजी पानी में डूब रही है। हालांकि इस इंसिडेंट के कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन लोग इस नंबर को अशुभ मानते हैं क्योंकि इस नंबर के साथ कोई बुरी शक्तियां जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इस नंबर का कॉल रिसीव करना या फिर डायल करना अशुभ माना जाता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में।